नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल जिसका नाम है MT सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त खुशहाल भारू, और आज हम इस वीडियो में ग्रेट जो कंपनी है उसने एक नया बैट लॉन्च किया है 1983, उसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं और साथ ही में उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बैट पूरा बॉक्स में पैक है, तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करूँगा और उसके बाद मैं इसका जो फर्स्ट लुक है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। अलग सा आपको बैट दिख रहा होगा, एक और पॉलीथीन में पैक होता है, तो इसकी पॉलीथीन भी निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक और पॉलीथीन है, आप देख पा रहे होंगे, तो उसको भी मैं निकालने जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा पैकिंग है इसका। इसके साथ ये लोग स्टाइलिश बैग भी देंगे, हालांकि अभी शुरुआत में इन्होंने लॉन्च किया है इसलिए मेरे में इन्होंने अभी बैग नहीं प्रोवाइड किया, मुझे सिर्फ रिव्यू करने के लिए दिया था। तो इसी के लिए इसके साथ एक आपको स्टाइलिश बैग भी मिलेगा जिसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं और इसकी सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं। का जो डिज़ाइन है वो एक बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है न्यूबेरी एक्सकैलिबर, उससे मैच करता है, यानी कि उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये बैट का डिज़ाइन चूज़ किया है। आपको बता दूं कि 1983 में कपिल देव जो वर्ल्ड कप जीतवा के लाए थे इंग्लैंड से, उसमें उन्होंने 175 रन की शानदार पारी खेली थी और वो मैच डू और डाई था। उस मैच में इसी हिसाब का कुछ बैट था, इसी डिज़ाइन का कुछ बैट था जिसको मंगूस बैट भी बोलते हैं, तो वैसा ही बैट इन्होंने डिज़ाइन किया है। अरे काफ़ी दिखने में भी शानदार और थोड़ा सा अलग सा लगता है, इसलिए जो कोई देखता है दिखने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको कि रणवीर सिंह अभी एक मूवी कर रहे हैं 1983 जिनमें वो रोल प्ले कर रहे हैं कपिल देव का, तो आप उस मूवी में भी देखेंगे कि वो जो बैट का यूज़ कर रहे हैं वो कुछ इस हिसाब का ही बैट होगा, यानी कि वो भी मंगूस बैट ही यूज़ करके वहाँ पर उन्होंने शूटिंग की है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बैट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो बैट है वो कश्मीर विलो से बना है ये बैट, और आप यहाँ पर क्लियरली उसकी जो ग्रेन्स है वो देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं 5 ग्रेन्स का ये बैट है जो काफ़ी शानदार है। और मैं आपको बता दूँ ये जो बैट है वो डिज़ाइन किया गया है हार्ड टेनिस बॉल के लिए, यानी कि अगर आप टेनिस बॉल खेलना पसंद करते हो तो आपके ये लिए ये बेस्ट बहुत बैट बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इस बैट को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसका जो हैंडल है वो सिंगापुर केन का है, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी का वुड है जिसका हैंडल बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, और इसकी जो ग्रिप है वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी जो ग्रिप और इसका जो हैंडल है उसकी वजह से जब ये बॉल पर इम्पैक्ट आता है, यानी कि बॉल इसको इम्पैक्ट करता है, तब ये एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रखता है और आसानी से जो इम्पैक्ट है वो एब्जॉर्व कर लेता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसके जो यहाँ पर टो है उसमें भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है जो काफ़ी एक बढ़िया है, क्योंकि जब आप बैट को नीचे रखते हैं तब काफ़ी बार हमने देखा है कि बैट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनका टो प्रोटेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1983 यहाँ पे भी लिखा है, GR8 कंपनी का नाम और मॉडल का नाम 1983। इसके अलावा यहाँ पर GR8 का स्टिकर भी है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ देखोगे तो ये आपको याद दिलाएगा इंडियन रेट्रो टीम की, यानी कि 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर जो इंडियन टीम थी उन्होंने कुछ इस हिसाब का ही ड्रेस पहना था, और ये है जो इंडियन का टीम का जो सिंबल है वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो बैट है उसका जो शोल्डर है उसको यहाँ से वेट को रिमूव करने के लिए यहाँ से शोल्डर को काट दिया है, और आपको देखने में ये बेसबॉल टाइप का लिखेगा, जैसा कि आप बेसबॉल में देखते हैं उसका जो बैट होता है उस हिसाब से ही डिज़ाइन है। यहाँ से उन्होंने टेपर कर दिया है पूरा बैट को, यानी कि शोल्डर को पूरा टेपर कर दिया है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो बैट है उसका वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, और इसी की वजह से जब आप बैट स्विंग करते हो
यानी कि आपका जो बैट स्पीड है वो बढ़ेगा, क्योंकि जितना आपका बैट का वेट कम होगा उतनी आसान होगी आपको बैट को घुमाने में। तो ये भी एक बेनिफिट है बल्लेबाज का। जो शोल्डर है उसको टेपर किया गया है, उसकी वजह से एक और बेनिफिट होता है कि आप बिहाइंड द विकेट शॉट आसानी से खेल सकते हैं। जैसे कि दिल स्कूप अगर आपको खेलना हो तो इसमें ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसी की वजह से आप इसको बॉटम से भी ऐसे पकड़ सकते हो और बिहाइंड द विकेट शॉट आसानी से खेल सकते हो। जैसे कि आपको दिल स्कूप खेलना है तो आपने देखा होगा, जैसे ही वीडियो चालू हुआ मैंने ऐसे ही बहुत सारे शॉट खेले थे, उसमें एक शॉट दिल स्कूप भी था, तो उसमें आप आसानी से ऐसे पकड़ के पीछे दिल स्कूप भी खेल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गए हम लोग और आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा ये बैट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको परचेस करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और बैट्स के रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।